राहुल गांधी को इलेक्शन से पहले मंदिर और इलेक्शन के बाद बैंकॉक नजर आता है, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को हर शुभ काम में सिर्फ अड़ंगा डालना आता है। मंत्री विश्वास सारंग से बात की स्वदेश न्यूज संवाददाता मानसी समाधिया ने। मंदिर क्या भूमि पूजन 5 तारीख को होना है और इसे लेकर तमाम तरीके की राजनीति शुरू हो गई है। बात करते हैं मंत्री विश्वास सारंग जी से। आपने कहा कि दिग्विजय और राहुल चोर चोर मौसेरे भाई हैं, क्या मतलब इस बयान का? अब देखिए, बड़ा आश्चर्य है कि दिग्विजय सिंह जी विरोध कर रहे हैं और कमलनाथ जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आश्चर्यजनक बात है कि राम का नाम आता है तो विवाद क्यों खड़ी करती है कांग्रेस, और ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया सोनिया जी के कहने पर। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि राम मंदिर की सुनवाई को डिले किया जाए। ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम एक दिन पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि सनातन धर्म के खिलाफ है, भूमि पूजन होना ही नहीं चाहिए, मुहूर्त गलत है, तो फिर और क्या कहेंगे? पहले घर में डिसाइड तो कर लो, एक कह रहा है सेलिब्रेट करो, एक कह रहा है विरोध करो। सबसे पहले इसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति हुई, कभी दिन की राजनीति होती है, कभी अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, और अब राम मंदिर को लेकर मुहूर्त की राजनीति शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? सीधा है, कांग्रेस के पेट में दर्द है। यदि राम से प्यार होता, राम मंदिर निर्माण का मन होता, राम मंदिर बनाने का विचार होता, तो 70 साल तक आज़ादी के बाद जब आप हर समय रहे, जब ऐसा कुछ नहीं होता। अरे, आपके संरक्षण में तो कार सेवकों पर गोली चली, और आप उस समय के बयान देख लीजिए, कांग्रेस के सब नेता चुप बैठे रहे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो उस पूरी जो कवायद थे उसके कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। तो यदि आपने उस समय विरोध किया तो आज आपको ये प्यार कैसे दिख रहा है? आप आज कह रहे हो कि राम मंदिर का मुहूर्त गलत है, अच्छे मुहूर्त पे बनाओ। अरे, राम हमारे भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा आराध्य है। राम का जब नाम आता है तो सब मुहूर्त शुभ हो जाते हैं। खुद कांग्रेस कहती है कि हम तो खुद जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और फिर ये दोगलापन कैसे? दोगलापन है ना, देखिए राहुल गांधी ने नई पद्धति शुरू की, उन्होंने धर्म की राजनीति की, धर्म को नहीं अपनाया। उन्होंने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू होने का नाटक किया, विधानसभा चुनाव में हारे तो फिर भूल गए, मंदिर कब याद आते? जैसे ही हिंदुस्तान का, भारत का चुनाव आयोग किसी जगह के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है और राहुल गांधी को भगवान याद आ जाते हैं, चुनाव में हारते हैं फिर भगवान भूल जाते हैं, फिर वो बैंकॉक की यात्रा करते हैं। चुनाव के दौरान मंदिर और चुनाव खत्म होने के हारने के बाद बैंकॉक, और वहाँ उनको कौन भगवान मिलते हैं ये भगवान जाने। बहरहाल पूरे देश में, उसके साथ ही भोपाल में भी राम मंदिर, मतलब 5 तारीख को तमाम मंदिरों पर भी कार्यक्रम होने वाले हैं, लोग भी कार्यक्रम करने वाले हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि राम मंदिर का निर्माण हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि सालों से, 500 साल से इस देश का बहुसंख्यक और इस देश से प्यार करने वाला, राम को प्यार करने वाला व्यक्ति राम मंदिर के निर्माण की बाट जो रहा था। अब ये दिन आया है तो निश्चित रूप से सबके मन में प्रफुल्लित होने का सबका मन है, सबको लगता है कि ये उमंग का दिन है। पर करोना संकट है, और करोना संकट में हमें संयम और अनुशासन रखना है, तो हम सबका तो यही सुझाव है कि राम मंदिर बनने का, उसके भूमि पूजन का हम उमंग के साथ स्वागत करें, परंतु घर में रहें, भीड़ इकट्ठी ना हो, हम सब सेलिब्रेट करें, दिवाली मने, पर घर में ही रहें, घर में दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाइए, राम धुन बजाइए, पर भीड़ इकट्ठी मत करें। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि एक तरफ राहुल जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तब तो राहुल मंदिर मंदिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बैंकॉक की याद आ जाती है। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि जश्न मनाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कैमरा पर्सन अशफाक के साथ मानसी समाधिया, स्वदेश न्यूज़ भोपाल।